और गाइस ये देखिए नंबर लगा है, बड़ी मम्मी 3 घंटे मेहंदी लगवा के अभी उठी। हाँ। और अब चाची की नंबर और वहाँ दूसरी चाची भी नंबर में खड़ी है। देखो देखो कुछ भी हो जाए मारा मारी नहीं होना चाहिए। देखो देखो देख लो देख लो, खुले आम मारा मारी चालू। और ये कलाकार हेलो गाइस, भैया मेकअप कर रहे हैं तो चलिए हम दिखाते हैं कैसा बीच कर रहे हैं वो। ये सब बताओ नहीं आग में लगेगा? अरे नहीं पागल, अरे दिखेगा नहीं कल आग उग में जाए ना भाई। सुबह अभी पूछ सकते, अभी आप पूछ सकते। सुबह अपना नाक पोछ रहे स्पीड में पोछ रहे ओनर ओनर को भी नहीं पता चला। ओनर को भी नहीं पता नाक इतनी स्पीड ब्लॉग का शॉर्ट भी मेरे पास आना, मैं दूंगा शॉर्ट भी बना देना 15 सेकंड हैं। अरे वो पूजा बहुत तेज मारा जा रहा है भैया को। भगवान को मना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पिंपल जो पिंपल ना आए, स्क्रैप से पिंपल थोड़ी आते। गाइज पहली बार आप देखे होंगे किसी लड़के का फेशियल होते हुए, मतलब वैसे तो देखे होंगे लेकिन भैया का आज पहली बार देखे क्योंकि उनका कल इंगेजमेंट है तो आज ही से तैयारी हो रहा है। और ये देखिए भैया काफ़ी मस्त से करवा रहे हैं। भैया मज़ा आ रहा भैया फेशियल कराने? सभी लोग घर की जुड़ चुके हैं। ये देखिए विकेश भैया, विकेश भैया, विक्की भैया और ये भरोसा दी, प्रीति दी और ये शुभम भैया, ये मम्मी और ये देखिए पूजा दी छुप रही है और ये देखिए स्नेहा उनका फेशियल कर रही है। विक्की भैया भी करवाएंगे यहाँ पे लाइन लगा, विक्की भैया फिर विकेश भैया फिर पूजा दी। दूसरा स्टेप चल रहा है भैया देखो बैठ के खाली मेरे बाद विक्की भैया का नंबर है जो कि 4 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, 5वीं बारी है। तो यहाँ देखिए फेशियल के साथ उतरी और बोलती है कुछ नहीं कराई हूँ, मुंह देखो कैसे कैसे फिर से। और यहाँ विकेश भाई पूजा छोटकी बुनिया ट्विन ने हाथ लगा दिया विक्की भैया को एंड अब पक्का पिंपल्स आएगा। तो सा दरवाजा बंद करो ना, लाइट आ रहा है। ये खाओ ना, ये खाओ, ड्रिंक का मेरे दर्द है बस शुरू किया मैंने, इतना सस्ता। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वियर्ड है एंड ये टाइम मुझे व्लॉग भी नहीं बनाना चाहिए, अब तक लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा हूँ। और स्नेहा ने एक्चुअली ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था सो उसने ही सजेस्ट किया एंड देखते हैं अभी क्या होता है, सब भगवान पे छोड़ दियो। सो फिलहाल मैं अभी इतनी ठंडी में मैं फैन ऑन करके बैठा हूँ ताकि ये मिट्टी सूख सके। भैया का हो चुका है, भैया अब जा रहे हैं मुंह धोने। फाइनली देखिए हम लोग सब जन छत पे बैठे हैं, छोटे चाचा बड़े चाचा बड़का पापा पापा और ये लड़की जो हाथ हिला रही है इसको नाम नहीं बताएंगे, तो इसका नाम भरोसा है पर इसमें भरोसा नहीं है थोड़ा भी। ये पूजा और ये शुभम, विक्की भैया और यहाँ विकेश भाई, परोसते हुए हमारी बुआ और वहाँ पे दीदी, सब आगे मेरा या तो पता नहीं व्लॉग। एक्चुअली मैं व्लॉग बनाऊंगा अगर मतलब अगर मैं ही खुद को दिखाने लगूंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो फाइनली मैं भी बैठ गया हूँ गाइस। फाइनली हम लोग खा पी के अभी कौड़ा ताप रहे हैं एंड यही तो मजा है गांव में आने का। और शुभम कहाँ भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम? अब आप ही बताइए ये वाली वाइब कभी मुंबई में मिलेगी? मुंबई में तो 24/7 बिजी शेड्यूल होता है, ऐसा लगता है कैसे ही टाइम निकाले, बट यहाँ पे देखिए ये अलग ही लेवल की हैप्पीनेस है। पापा बड़े पापा इधर, ये मावा चाचा चाचा सब क्या तापो, वाह शुभम। अरे भाई तापना अपना है, अच्छा तुम लोग भी तापोगे? सो गाइस मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ना मैं ही नहीं रहता हूँ बाकी सब रहते हैं, यही होता है। सो गाइस ये देखिए दोनों कितने प्यारे प्यारे इतने मस्त में रात को खेल रहे हैं और आपस में देखिए वाह, और किसी की मजाल नहीं कि कोई ऐसे द्वार क्रॉस कर ले। और यहाँ देखिए हंसी मजाक चालू है कौड़ा तापते हुए, यहाँ पे मैं भी तो मैं कौड़ा ताप ताप के बीच बीच में ब्रेक लेके ब्लॉग भी बना ले रहा हूँ। इन लोग का अलग ही मजा चालू है, खेल रहे हैं देखिए घर पे गाड़ी कितना मस्त में सब खड़ा है। गाइस देखिए मेहंदी का कार्यक्रम चालू हो गया है, बड़ी मम्मी इधर दीदी लगा रही है, ये है। यहाँ पे देखिए यहाँ बुआ चाची, बुआ आपका नाक वैसा हो गया जैसा सर्दी का एडवर्टीजमेंट दिखता ना बुआ,
नाक आपका वैसा हो गया, वो सर्दी का एडवर्टीजमेंट दिखाते ना। नहीं नहीं, मेरा नाक एकदम खराब हो गया है, स्किन वाले डॉक्टर कोल्ड। अच्छा, मैं सोचा कोल्ड से हुआ है। नहीं, कोल्ड से नहीं हुआ है, स्किन दवा चल रहा है। ओके ओके, स्किन वाला। और गाइस ये देखिए नंबर लगा है, बड़ी मम्मी 3 घंटे मेहंदी लगवा के अभी उठी। हाँ। और अब चाची की नंबर, और वहाँ दूसरी चाची भी नंबर में खड़ी है। देखो देखो, कुछ भी हो जाए मारा मारी नहीं होना चाहिए। देखो देखो, देख लो देख लो, खुले आम मारा मारी चालू है। और ये कलाकार कलाकार बड़का पापा सुबह ही सुबह अपना घर पे पूरे द्वार पे झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसी लगता ही है झाड़ू। तो ये लकड़ी का है, नीचे झाड़ू देखिए कैसे बांधा गया है। तो ऐसे जुगाड़ कर करके यहाँ पे झाड़ू लगाया जाता है। सो गाइस फाइनली सुबह हो गई है, सो के उठ गए हम लोग। कल थोड़ा सा मुंह पे अपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने, एंड उसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम हुआ। सो मैं अभी दिखा देता हूँ कि किस किस कंडीशन में सब लोग सोए पड़े हैं। चालू डब्बा जैसे होता है ना वैसे। और अभी तक मेरे नहीं नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी मेहंदी कैसा। हाँ, और अभी चाची ने भी मेहंदी, अभी भी बहुत लोगों ने मेहंदी छुड़ाया नहीं है, पर फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि लोग सोए कैसे। क्या देखिए गाइस, वहाँ पे सोए हैं शुभम यहाँ पे, और यहाँ पे बुआ सोई है। ये देखिए मुँह दिखा, यहाँ भरोसा, यहाँ पे पूजा पूजा, और यहाँ पे देखिए दीदी, और सिर्फ मैं चाची और बुआ सबसे पहले उठे थे। क्या बुआ नहीं, सबसे पहले बुआ चाची और मैं, और फिर दीदी मेरे बाद, फिर ये उठी, फिर पूजा उठी, फिर शुभम। शुभम मुंह नहीं दिख रहा है तुम्हारा। बुआ थोड़ा ओपनिंग कर कुछ। तो गाइस जैसा कि आज एंगेजमेंट है, सो आज तो कोई भी ब्लॉग वगैरह कुछ बनेगा नहीं, मतलब भाई लोग बनाएंगे, एंड बाकी तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आएंगे उन्हीं का ब्लॉग लेके लैपटॉप या पेन ड्राइव में लेके मैं वही पूरा अपने चैनल पे पेस्ट कर दूंगा, डाल दूंगा। देखना दिख रही, देखो देखो, ए आप दिख रहे हो गग्गा गग्गा दिख रहे हैं गग्गा। तो किस किस ने अभी तक नहीं नहाया है, हाथ नीचे करो। अभी हम नहाने जा रहे हैं भाई। तो गाइस कमरे में से मैं बाहर आ गया हूँ, इवन सो के उठा, अभी तक मुंह भी नहीं धोया हूँ। कितने लोग बोलेंगे हाँ पता है, मुझे देख के ही लग रहा है। तो एक्चुअली इतना ज्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ रहा है ना गाइस कि क्या ही बताऊँ, बट लिटरली काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मस्त वाली वाइब आ रही है, आप ही देखिए गाँव में, और मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कितने दिन रुके, बट 3 दिन ही रुक सकते हैं। आज तो गाइस एंगेजमेंट है, सो ये वाला व्लॉग एंड करना है। और एंगेजमेंट में आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो खुद वहाँ पे रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊँगा, बिकॉज हमारे यहाँ से भी बहुत सारे रिलेटिव्स जाते हैं, गांव के लोग आते हैं, वहाँ पे भी कौन होगा कौन नहीं। सो जिसकी वजह से ऐसे मैं ओपनली वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, भाई लोग करेंगे। अगर कुछ उन लोगों ने रिकॉर्ड किया तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, बैकग्राउंड में कुछ मतलब ऐड कर दूंगा, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं बोलने के बाद मतलब खुद ही ऐसा बोल सकता हूँ। बट कैसे रिकॉर्ड होगा कैसे नहीं, मैं तो उस चीज़ का फोकस नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डर्स फोटोग्राफर्स को अलग अलग बुलाया है, ताकि अगर जैसे मैं, बिकॉज अभी मैं आप लोगों को बोल के आया हूँ कि इंगेजमेंट है, तो मुझे पता है काफ़ी लोग वेट करेंगे ऐसे, सो इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को बोला हूँ, वो अगर जैसा चाहेंगे मतलब वो अच्छे से करेंगे। एक होता ना कि हम कितना भी रिकॉर्ड करते हैं पर वीडियो बनाते हैं अपने लिमिट में ही, तो उसी से मतलब वो जैसे ओवर भी अगर वो रिकॉर्ड करते हैं तो मैं उनसे वो सारी रिकॉर्डिंग क्लिप ले लूँगा, अपलोड कर दूँगा, और आप लोग भी देख लेना, मैं भी देख लूँगा, घर वाले भी, फैमिली वाले, मतलब सब लोग देख लेंगे। वो मॉर्निंग हो गया गाइस, व्लॉग कल से ही चल रहा है, तो ये वाले व्लॉग को एंड करना पड़ेगा, बिकॉज एंगेजमेंट है, सब लोग उठ गए, तैयारी वैयारी चालू हो गई है। सो अभी 1-2 घंटे में सबको निकलना है, तो कल का भी व्लॉग, और कल का व्लॉग पता नहीं कि कल ही आ पाएगा या 1-2 दिन का टाइम लगेगा, बिकॉज व्लॉग बड़ा होगा और टाइम यहाँ पे गाइस थोड़ा मुझे नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज आप लोग समझ सकते हो कि मतलब इंगेजमेंट है, तो इसके वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं प्रॉपर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, खुद के लिए इन द सेंस कि खुद के लिए तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट मुझे मतलब व्लॉग को भी टाइम देना पड़ता है, सो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बाकी तो खुशी इतनी हो रही है ना मुझे कि मतलब मैं यहाँ से जब भी मुंबई जाऊँगा तो मैं गाँव में क्या क्या किया हूँ, कैसे कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किए, वो सारी चीज़ें गाइस हम देख पाएंगे। आप लोग भी कहीं जाया आया करिए तो थोड़ी बहुत मेमोरीज अपनी क्रिएट कैप्चर करके रखिए, ताकि कभी भी देख सकिए आप लोग भी। सो बस गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही, कल का एंगेजमेंट वाला व्लॉग होगा, 1-2 दिन अगर लेट भी होता है तो ठीक है, बट व्लॉग काफ़ी अच्छा आएगा, सो देख लेना आप लोग। और भगवान से प्रार्थना करना कि जो भी जर्नी स्टार्ट हो रही है लाइफ में सब कुछ अच्छी हो, और आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देना।
सो और ये देखिए कैसे भाग के आ रही है धीरे से। सो ये है सोनी दीदी, कल तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। सो बस गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही। तो गाइस मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या जो लोग भी अभी भी आए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बाकी भाई अभी दीदी आई, अभी चाची भी आ रही है और चाची का तो आप लोगों को पता ही है, चाची पहले से ही बाय करने लगती है। सो बस गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही। अच्छा ये वाली लेंथ हो गई। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।